हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टोक्योमेट्री के बारे में बताया था और स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था। ये मैंने आपको इस तरह से ये इक्वेशन एक्सप्लेन की थी और मैंने आपको मोल्स के बारे में भी बता दिया था कि यहाँ हम क्या बोलते हैं, टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव टू मोल्स ऑफ वाटर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इफ यू नो अबाउट द मोल्स देन वी कैन फाइंड the quantity, the weight or mass of the substance and the volume। किस तरह से तीन relations याद कीजिए अपने mole concept के। one mole is equal to क्या लिख रहे थे आप यहाँ पे, 6.022 × 10⁻²³ particles, atoms, ions, molecules, कुछ भी आप वहां पे use कर सकते थे। नेक्स्ट वन मोल उसको किसके इक्वल लिख रहे थे आप, एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, जो आपका सब्सटेंस आपको गिवन था उसके एटॉमिक या मोलिकुलर मास के इक्वल। और एक आप क्या बोल रहे थे, वन मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है, यहाँ 22,400 मिलीलीटर, लेकिन ये बात हमने की थी एट एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसी को ही मैंने आपको किसी और तरीके से लिखना भी बताया था, किस तरीके से बताया था कि अगर आपको फाइंड करनी है क्वांटिटी, ठीक है, तो या अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए फाइंड करना है, तो मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, गिवन क्वांटिटी, ठीक है, गिवन क्वांटिटी अपॉन जो उसका रेफरेंस था, यानी कि मैं बात कर रही थी एवोगैड्रो नंबर की। देखिए 6.022 और 6.023 एक ही बात है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता है और आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है किसी सब्सटेंस की, तो क्या आप यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। क्वांटिटी क्यू से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, देन क्यू विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई दिस एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली फॉर दीज टू रिलेशन, इन दोनों रिलेशन से भी हम यही देख सकते हैं, ठीक है। तो बात ओवरऑल यहाँ पे यही आती है कि अगर हमें मोल्स के बारे में पता है तो हम क्वांटिटी, एटॉमिक मास या वेट की बात करें, वेट या मास या फिर वॉल्यूम को हम इजीली वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में यही रिलेशंस का ही यूज होगा, मासेस आपको फाइंड करने आने चाहिए केमिकल इक्वेशंस लिख के, केमिकल इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, मोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि यहाँ पे किसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल विच इज एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबर्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कि आप 16 ग्राम मीथेन का क्या करा रहे हैं, कंबर्शन करा रहे हैं, तो 16 ग्राम मीथेन को जब आप कंबर्शन उसका कराते हैं तो कितना अमाउंट आपको वाटर का मिलेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मैं बोलूंगी न्यूमेरिकल है। देखिए इससे पहले आपको एक बात और बता देती हूँ, जो हमारी स्टोक्योमेट्री है, मैंने आपको बताया कि मोल से हम रिलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम क्वांटिटी सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं, मास हम फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो स्टोक्योमेट्री का कंसेप्ट है उसको तीन टाइप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखिए इस टाइप से यहाँ क्या बोला गया है आपको, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स, ग्राम्स उसने बोला है, इसलिए वो क्वांटिटी की बात कर रहा है, मीन्स वो मास की बात यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ दिया भी उसने क्या है, उसने मास ही दिया है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जहाँ पे दोनों मासेस इन्वॉल्व होंगे उसको क्या बोला जाता है कि मास मास रिलेशनशिप यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। सेकेंड हो सकता है ना कि दोनों आपके पास वॉल्यूम्स हो, तो सेकेंड वन इज द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक आपके पास ये भी आ जाती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड थर्ड वन, इन दोनों को भी कंबाइन कर दिया जाता है, हो सकता है मास दे दे वॉल्यूम पूछ लें, या वॉल्यूम दे दे मास पूछ लें, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास स्टोक्योमेट्री की कैलकुलेशंस हैं वो इन तीन रिलेशनशिप्स पे बेस्ड हैं, या तो वो आपको क्या मिल जाएगी, मास मास रिलेशनशिप, या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, या फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं विच इज ऑफ द टाइप मास मास रिलेशनशिप, इसी टाइप का है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेन टास्क यहाँ पे क्या होता है, टू राइट द केमिकल इक्वेशन, एंड नॉट ओनली द केमिकल इक्वेशन, वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हियर। सो चलिए देखते हैं क्या है इक्वेशन यहाँ पे, कंबर्शन
कराना है आपको मीथेन का, तो उसके लिए आपको पता तो हो कि मीथेन होता क्या है। क्या होता है मीथेन? CH4। कंबर्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब उसमें आपको दे रखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबर्शन। इट मीन सिंपल सी बात है कि वाटर तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, बनेगा ना, एक यहाँ पे फॉर्मेशन होती है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की। कैसे याद रखेंगे? ये हाइड्रोकार्बन है, आपने 10th क्लास में स्टडी किया है कि जो आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबर्शन कराया जाता है, मीन्स हाइड्रोकार्बन का जब भी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, हमेशा फॉर्मेशन किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ से भी देख सकते हैं कि वाटर बन रहा है और किसकी फॉर्मेशन हो रही है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इनको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे और उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। चलिए बैलेंसिंग कीजिए, देखिए कार्बन है यहाँ पे वन, यहाँ भी वन कार्बन आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे फोर है, यहाँ पे टू है, कितने हो गए? फोर हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए यहाँ पे, टू एंड टू फोर, यहाँ पे टू है, तो मैं क्या करूँ, टू हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस वाटर। इट मीन्स वन मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद या कंबाइंस विद टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको करना क्या होता है, आपको दो चीजों में रिलेशन दिया ना यहाँ पे, एक तो आपसे पूछा गया है वाटर के बारे में और एक आपसे पूछा गया है, मीन्स आपको दिया गया है मीथेन। यानी सिर्फ दो चीजों के बारे में आपको कुछ बोला गया है, जिसके बारे में बोला गया है हमें उसी को लेके चलना है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। मीन्स बाकी वालों के कितने मोल्स प्रेजेंट है, क्या उनका मास है, इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। मासेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम इनके मासेस को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट मेन वर्क हमारा क्या रहेगा कि इनके जो रियल मासेस हैं, एटम है तो एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, देखिए कार्बन का मास कितना होता है, ठीक है। मीथेन का मास आपको फाइंड करना है तो आप यही तो करेंगे ना, कार्बन का मास लेंगे और उसमें हाइड्रोजन का मास ऐड कर देंगे। कार्बन का मास कितना होता है, 12 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होता है, 4 यानी कि 16 ग्राम। मीथेन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या है, 16 ग्राम है। वाटर की बात की गई तो वाटर का भी देखना है, वाटर का मास कितना होता है, 18 टू मोल्स है, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे, 36 ग्राम। अभी बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी क्या हो गया, 2 × 18 यानी कि 36, क्योंकि देखिए आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे 2 मोल्स आए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और आपका क्वेश्चन देखिए यहीं पे ही सोल्व हो गया है, क्या पूछा गया है कि 16 ग्राम मिथेन का जब आप कंबर्शन कराते हैं तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, तो ये दिख रहा है आपको, आपने ये 16 ग्राम ही तो मिथेन यहाँ पे ले रखा है जिसका आपने कंबर्शन कराया है, तो कितना वाटर आपको मिला है यहाँ पे, 36 ग्राम। तो मासेस फाइंड करने के बाद क्या लिख देंगे कि 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबर्शन ऑफ, प्रोड्यूस्ड बाय कंबर्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, सीधा केमिकल इक्वेशन लिखते ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल गया। मान लीजिए वो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता, वो पूछता कि 32 ग्राम मीथेन को, ठीक है, 32 ग्राम मीथेन का कंबर्शन आप कराएंगे, उसको बर्न कराएंगे ऑक्सीजन में, तो कितना वाटर मिलेगा, तो हम उसमें फिर रिलेशन लगाते हैं। इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने से वाटर कितना मिल रहा है, 36 ग्राम। 1 ग्राम से कितना मिलता है, 36 बाय 16, और पूछा किसके लिए गया है, 32 के लिए, तो 32 ग्राम से कितना मिलता है, 3 बाय 16 मल्टीप्लाई 32 ग्राम। सोल्व कर लेते हैं और क्या मिल जाता है, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता। तो सबसे फर्स्ट, सबसे सिंपल टाइप का रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप आप कैसे यूज करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है।